नमस्कार, सामाजिक विज्ञान फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा भाग। इस वीडियो में हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे और अंत में हम न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में जानते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपना निवेश बढ़ाया है। इसका मतलब यह हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश करने में फ़ायदा में रही। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सेलफोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों एवं बैंकिंग सेवाओं में निवेश की है। साथ ही कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। वैश्वीकरण से शीर्ष भारतीय कंपनियों को बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से फायदा हुआ है। कुछ भारतीय कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ कंपनियों ने सफलतापूर्वक निवेश कर लाभ अर्जित किया है। वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, रैनबैक्सी कुछ कंपनियों के उदाहरण हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण हैं। उपभोक्ता की बात करें तो उन्हें अधिक विकल्प के साथ सस्ते उत्पाद भी मिलता है। इससे उनका जीवन स्तर बढ़ गया है। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव की। वैश्वीकरण के कारण छोटे व्यवसायी और कंपनियां प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाई और उन्हें बंद होना पड़ा। उदाहरण के लिए भारत में बनने वाले खिलौने की कंपनियां बंद हो गई क्योंकि वह प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाई। अब भारत में खिलौने चीन से आते हैं। दूसरा, श्रम कानूनों को लचीला बनाया गया जो कर्मचारियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था। अब बात करते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र की। सरकार भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्र, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र भी कहा जाता है, उनकी स्थापना की जा रही है। इन विशेष आर्थिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में
स्थापित करने वाली कंपनियों को 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता। इसके साथ साथ विदेशी निवेश आकर्षक करने के लिए भारतीय सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाया है। न्याय संगत वैश्वीकरण। बच्चों, न्याय संगत वैश्वीकरण सबके लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि सबके लिए अवसर प्रदान करें। सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। ये छोटे उत्पादकों को उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वो प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार ना हो जाएं। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग भी कर सकती है। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आज के भाग में हमने जाना वैश्वीकरण का प्रभाव, साथ में हमने जाना विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में, फिर आखिर में हमने जाना न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो बच्चों, फिर हम अगले अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।